हेलो बच्चों, लेट्स सी आवर क्वेश्चन. सो आवर क्वेश्चन सेज, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी. क्या आप इस स्टोरी का कोई और एंड सोच सकते हैं? तो बच्चों, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? हमारे चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर में से. अब हमें पता है कि स्टोरी का एंड कैसे होता है, दैट द महिंद्रा हैज टू लीव हिज जॉब. वो रिजाइन कर देते हैं, वो इतना डर जाते हैं कि उन्हें रिजाइन करना पड़ता है. तो इसका कोई और एंडिंग क्या हो सकती है? तो चलिए समझते हैं अपना आंसर. Yes, there could have been another ending of the story. Rather than fleeing from the factory site, both Mahindra and Ishwaran could have stayed and found out about the ghost. तो यानी कि क्या हो सकता था कि महिंद्रा छोड़ के ना जाते, यानी इस तरीके से भागते ना, और वो इतना ज्यादा डर जाते कि that he had to resign. तो वो वहां पे दोनों रुक सकते थे और देख सकते थे कि जो घोस्ट के बारे में वो बातें कर रहे हैं, क्या वो सच है या नहीं है. Ishwaran knew that Mahindra got terribly afraid That night, that's why he mentioned it again to Mahindra. और ये चीज रीडर्स को समझनी चाहिए कि जो ईश्वरन है वो दोबारा से वो टॉपिक उठाते हैं अगले दिन, ठीक है. और उनको पता है कि महिंद्रा काफी डर चुके थे, इसलिए उनको चुप भी करवाया जाता है, ठीक है. महिंद्रा उनको डांट के चुप करा देते हैं, लेकिन ईश्वरन को ये चीज पता होती है और वो इस चीज का मेंशन दोबारा करते हैं, जिसके कारण महिंद्रा और डर जाते हैं. सो इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब, ही शुड हैव इन्वेस्टिगेटेड द घोस्ट स्टोरी बाय हिमसेल्फ. तो यानी कि महिंद्रा को क्या करना चाहिए था कि रिजाइन नहीं करना चाहिए था, जबकि उस स्टोरी को खुद ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, जिसके लिए एक ब्रेव हार्ट की जरूरत थी. तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर. ऑल द बेस्ट.